कई लोग जो आपके शुभचिंतक चाहने वाले हैं वो लगातार दुआ कर रहे थे आप ठीक हो जाएं, और देखिए आप ठीक हैं, अपने घर जा रहे हैं। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से रिम्स हॉस्पिटल के प्रबंधन और खासकर ऐसे दो नौजवान डॉक्टर, डॉक्टर प्रशांत प्रवीण और फिर से करवा दिए, तो सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से रिम्स प्रबंधन को बधाई देना चाहता हूँ और उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, और ख़ासकर ऐसे दो डॉक्टर, डॉक्टर प्रकाश प्रशांत जी और प्रवीण जी और इनकी पूरी टीम, जिस तन्मयता के साथ इस हॉस्पिटल को बेहतर बनाने के लिए और प्रत्येक मरीजों की सेवा करने का जो संकल्प लिया है वो काबिले तारीफ है, और इनका मेहनत रंग लाया और इनके बदौलत आज मैं फिर से समाज में काम करने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के बीच खड़ा हूँ। मुझे धन्यवाद देना चाहिए हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे नड्डा जी लगातार हमसे संपर्क, हमारे परिवार से संपर्क करते रहे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल का बड़े उदाहरण पेश किया है। राज्य सरकार के कई मंत्री, चाहे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हो, चाहे मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, सब लोग, रामेश्वर उरांव जी भी यहाँ पर आकर हमारे हिम्मत को बढ़ाने का काम किया है, मैं उनके प्रति भी ऋणी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, बाबूलाल मरंडी से लेकर के एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता, असंख्य कार्यकर्ता हमारे लिए जो उन्होंने प्रे किया है उसके लिए भी अपनी ओर से मैं बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मौका मिला फिर एक बार कमान संभालेंगे भाजपा का। लगातार देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ठीक हो चुके हैं और अब इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो डॉक्टर हैं, खासकर जो युवाओं डॉक्टर की जो एक फौज थी वो लगातार मेहनत कर रही थी, और इसी का परिणाम है कि जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हैं वो ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर बुला गया, उनको जाने तो ये एक राहत की तस्वीर देखिए सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश अब ठीक होकर अपने घर को वापस लौट रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब ऐसी खबर सामने आई थी कि दीपक प्रकाश को सीवियर हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद से एक खलबली मच गई थी और लगातार लोग यही कामनाएं कर रहे थे कि दीपक प्रकाश जो है ठीक होकर एक बार फिर घर वापस लौटे और अपनी सत्ता वापस संभाले, और सबकी दुआएं यहां पर काम भी आई। और देखिए ये राहत की तस्वीर, एक अच्छी तस्वीर सामने आई है कि दीपक प्रकाश जो हैं ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। तो हार्ट अटैक के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब जो है उन्हें छुट्टी मिल गई है। आपको बताया कि गुरुवार को रिम्स में एडमिट हुए थे और जिसके बाद जो है तमाम नेता उनसे लगातार मिलने पहुंचे, और दीपक प्रकाश ने भी जिस तरीके से कहा है सभी का आभार जताया जो जो उनसे मिलने पहुंचे। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से पूरे रिम्स प्रबंधन को एक कहे तो आदेश जारी किया था कि अच्छे से अच्छा इलाज इनका हो, और इसी का नतीजा है कि अब जो है जल्दी ठीक होकर
तो एक राहत की तस्वीर देखने को मिली है। जिस तरीके से दीपक प्रकाश गुरुवार को एडमिट हुए थे जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन अब जो है वो ठीक होकर वापस अपने घर को गए और उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही वो अपना काम संभालेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे। सत्यव्रत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, अभी आपने दीपक प्रकाश से बातचीत की, काफी स्वस्थ नजर आए और एक अच्छी एक राहत की खबर कि वो वापस अपने घर को लौटे हैं और तमाम उन लोगों का धन्यवाद किया है जो लगातार उनके इलाज में, अगर रिम्स के डॉक्टर्स की बात करें, उनकी तारीफ उन्होंने की है। नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि दीपक प्रकाश जो है वो ठीक होकर अपने घर के लिए निकल चुके हैं और जो उन्होंने तारीफ की कुछ डॉक्टरों की, आप देखिए मेरे पीछे यही वो डॉक्टर्स हैं जो कि लगातार जद्दोजहद कर रहे थे और लगातार रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग की बात करें तो हर दिन जो है वो नई ऊंचाइयां छू रहा है और इन्हीं डॉक्टरों के नेतृत्व में लगातार जो है वो रिम्स का मान बढ़ रहा है। दीपक प्रकाश जी का जो इलाज है इन्हीं युवाओं डॉक्टरों ने किया था और इनसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले जिस तरह से अभी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने भी कहा, आप लोगों का शुक्रिया अदा किया, कहा कि जिस तत्परता से आप लोगों ने काम किया, शायद यही नतीजा है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गए और उन्हें डिस्चार्ज भी दे दिया गया। जी हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कार्डियोलॉजी टीम और पूरी मेडिकल टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, रिम्स प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था है ताकि हम लोग समय पर ही काम शुरू कर सके और उनको, उनकी जो बीमारी थी वो जल्दी से जल्दी ठीक हो गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सब लोग उनका हालचाल लेने आए थे, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिलहाल क्या कुछ उन्हें निर्देश दिया गया डॉक्टरों की तरफ से, चूंकि अभी तुरंत स्वस्थ हुए हैं, वैसे में कैसे ख्याल रखेंगे अपना, चूंकि एक बड़े पद पे हैं, लगातार भाजपा का कमान संभाले हुए हैं प्रदेश में, कहीं ना कहीं काम का भी एक प्रेशर होता है, क्या कुछ सलाह दिया है आप लोगों ने उन्हें? पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब रिम्स में प्रबुद्ध लोग भी आने लगे हैं जो हम लोग के काम को पहचाना जा रहा है। साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अभी तो मैं चाहूँगा जितने भी कार्यकर्ता या जो भी हैं, सब कोई चाहते होंगे उनसे मिलना, लेकिन अभी उस चीज़ को अवॉइड करें, एटलीस्ट 2 सप्ताह कम से कम करें ताकि वो मेंटली भी अपने नॉर्मल काम में आ सके और उसके बाद से तो उनका जीवन ही है सबकी सेवा करना, उनको सेवा करना ही करना, उनके धर्म ही हो गई है। अभी चाहूँगा कि वो अभी कुछ समय आराम करें। बिल्कुल पुनीता, देखिए यही वो डॉक्टर हैं जो लगातार मेहनत कर रहे थे और इनके मेहनत का जो रंग है वो दिखा है। दीपक प्रकाश जी ठीक हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि लगातार, बात करें तो रिम्स में ही मौजूद रहा करते थे, काफी चिंता हुआ करती थी सेहत की। फिलहाल आपके अध्यक्ष जी अब ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। लगातार जो कार्यकर्ता है, जो उनके शुभ चिंतक है, वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे और देखिए प्रार्थना जो है वो फल दिखा, वो स्वस्थ हो चुके हैं। निश्चित रूप से रिम्स के जितने भी चिकित्सक वर्ग है, विशेष करके डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रशांत जी और जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं, उन्होंने जिस तन्मयता के साथ 28 मिनट के अंदर इस ऑपरेशन को करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दीपक प्रकाश जी को एक नया जीवन दिए, वो काबिले तारीफ है। ये मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि झारखंड की राजधानी रांची में जो रिम्स है, इसे अब देश के अंगुली में गिने चुने जाने वाले अस्पतालों में से एक माना जाना चाहिए। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में विशेष करके बहुत ही उत्साह है और वो निकल करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हर जगह पर रह करके जनसेवा जनहित में कर रहे हैं, उनको वो दिशा निर्देश देते रहेंगे। बिल्कुल, कई बड़े नेता रहे थे, बाबूलाल मरांडी जी भी पहुंचे थे स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए थे, बन्ना गुप्ता आए थे और जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं, जेपी नड्डा जी जो हैं वो लगातार डॉक्टरों के संपर्क में थे। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ठीक हो गए, कितना अच्छा लग रहा है? निश्चित रूप से एक चिंता का विषय था, जिस वक्त हम लोगों को ये सूचना आई थी कि उन्हें का अटैक आया है तो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए और हम लोग खुद यहाँ पर उपस्थित थे और भगवान से मना रहे थे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जल्द से जल्द स्वस्थ करें भगवान। लेकिन मैं पूरी तरह से यहाँ के जो चिकित्सक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस तन्मयता और जिस कर्मठता के साथ उन्होंने काम किया है। यहाँ के डायरेक्टर हो गए, जो दो दो तीन तीन डॉक्टर्स हो गए, उनकी पूरी टीम हो गई, बहुत अच्छे ढंग से काम किया और बहुत कम समय में जो उनका ऑपरेशन किया और जो समय हमें मिला, निश्चित रूप से उसका फायदा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मिला। मैं फिर से और अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उन डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत कम समय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को स्वस्थ करके उनको घर तक भेजा है। बिल्कुल पुनीता, जो डॉक्टर हैं उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है क्योंकि जिस तरह का डॉक्टरों ने
एक भूमिका निभाई है, जो महज कुछ ही मिनटों में जो है वो उनका एंजियोप्लास्टी कर दिया गया और उसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अभी थोड़ी देर पहले रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और जो लोग हैं वो काफी खुश हैं, चेहरे पर एक मुस्कान है क्योंकि एक बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का। अभी जो टाइम भी है क्योंकि देखिए जिस तरीके से उनको जब हार्ट अटैक आया था तो लोग घबरा गए थे, डरे हुए थे और लगातार दुआएं भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। और देखिए लोगों की दुआएं यहां पर काम भी आई। और साथ ही साथ देखिए सत्यव्रत, एक चीज जो यहां पर देखने को मिली है, लगातार जिस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीति में हमेशा दूरियां नजर आती है, विपक्षी पार्टी की बात करें लगातार दूरियां खटपट देखने को मिलती है, लेकिन जब यहां पर दीपक प्रकाश एडमिट हुए, जब सबको जानकारी मिली कि उनको हार्ट अटैक आया, तो लगातार देखिए वहां पर सभी लोग उनसे मिलने पहुंचे। बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करें तो वो उन्होंने साफ तौर पर रिम्स प्रबंधन को निर्देश भी दिया था कि अच्छे से अच्छा इलाज उनका होना चाहिए। रामेश्वर उरांव की बात करें या फिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बात करें, लगातार वो फोन के जरिए जानकारी लेते रहे, खुद मिलने भी पहुंचे। तो यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति की बात करते हैं तो कुछ और ही तस्वीर निकल कर सामने आती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ भुला कर एक दूरियां यहाँ पर कम नजर आई और लगातार उनका हालचाल जानने के लिए सभी पहुंचते रहे। नहीं, बिल्कुल सही कहा पुनीता आपने। अगर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी की बात करें तो उनकी जो इमेज है वो एक अलग इमेज है और शायद यही कारण है कि देखिए ना ही कोई पक्ष दिखा ना ही कोई विपक्ष दिखा। जैसे ही इस बात की सूचना हेमंत सोरेन जी को मिली, तुरंत हेमंत सोरेन ने सबसे पहले रिम्स निदेशक को इस बात की जानकारी दी और जो बेहतर उपचार है उसका निर्देश दिया और स्वयं कुछ ही समय के बाद जो है वो मुख्यमंत्री सीधे रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग पहुंचते हैं, उनके साथ जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है वो पहुंचते हैं, थोड़ी देर रामेश्वर उरांव जो है वो पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है वो दृश्य देखने को मिला। दीपक प्रकाश जी की अगर बात करें तो काफी बेहतर इमेज है उनका और यही व्यवहार जो है उनका शायद जो देखने को मिला और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी एक मिसाल पेश किया है कि भले ही जो राजनीति है उसमें जो कंपटीशन है वो अलग चीज है, लेकिन एक अनुशासन तरीके से किसी भी व्यक्ति का जो उनके साथ काम कर रहा हो, चाहे वो भले ही पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, वैसे में उनका हाल चाल जानने के लिए तुरंत मुख्यमंत्री जो है वो इस कोरोना के महामारी में रिम्स जैसे अस्पताल पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी एक उदाहरण पेश किया है और अगर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी की बात करें तो उनका एक अलग व्यक्तित्व है, अलग इमेज है जो उन्हें खास बनाता है और यही कारण है कि जो भी लोग थे वो पहुंचे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो लगातार जो है वो डॉक्टरों के संपर्क में थे, खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो लगातार दीपक प्रकाश जी से बात कर रहे थे, उनके डॉक्टरों से लगातार जो है दीपक प्रकाश जी का हाल चाल जाना जा रहा था। खुद रिम्स निदेशक से भी बात की गई थी। जब जैसे ही अस्पताल से बाहर निकले तो सबसे पहले उन लोगों को ही शुक्रिया कहा है जो लगातार उनके बारे में हाल चाल जानने के लिए पहुंचते रहे अस्पताल, फोन के जरिए जो लगातार पूछताछ की जा रही थी, सभी को शुक्रिया कहा है दीपक प्रकाश ने। नहीं देखिए बिल्कुल सभी को शुक्रिया कहा है और खुद देखिए हमारे साथ एक बड़े नेता है उनसे भी बात करते हैं कि जिस तरह का दीपक प्रकाश जी की अगर बात करें तो जो व्यक्तित्व है उनका जो शायद उन्हें अलग करता है दूसरे अगर नेताओं से बात करें, शायद यही कारण था कि मुख्यमंत्री सीधे जैसे ही उन्हें सूचना मिली वो पहुंचे, बन्ना गुप्ता पहुंचे, मतलब कहीं पक्ष और विपक्ष नहीं दिखे। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे न्यूज 11 और उनके पूरे टीम को, अरूप चटर्जी या आप हों या सारे लोग हैं जो एक एक व्यक्ति तक एक एक न्यूज समय पर पहुंचा रहे थे, काबिले तारीफ है। सभी पत्रकारों को हम आपके माध्यम से नमस्कार और उनका इस्तकबाल भी करते हैं। निश्चित रूप से दीपक प्रकाश एक सहज व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, वो सब लोगों से मिलते जुलते हैं और ग्रास रूट लेवल के आदमी हैं, हमने उनके साथ काम किया है। चलिए सत्यव्रत, सबके चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है, एक राहत नजर आ रही है और ये एक अच्छी बात भी है। चलिए सत्यव्रत, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। तो एक अच्छी खबर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक खुशी की लहर दिख रही है क्योंकि उनके जो दिग्गज नेता है वो एक बार फिर स्वस्थ होकर वापस अपने घर को लौट चुके हैं। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें कहा है कुछ दिन रेस्ट करें, लेकिन दीपक प्रकाश ने कहा कि वो जल्दी काम पर वापस लौटेंगे।